तुर्की और सीरिया में भूकंप के चलते जान गंवाने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नए आंकड़ों के अनुसार अब तक 16,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। घायलों की संख्या 80,000 से भी अधिक हो गई है। अभी बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इस बीच तुर्की के अलग अलग शहरों में बार बार भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार रात में 12 बजे के बाद से सुबह 7:14 के बीच 5 बार अलग अलग समय पर भूकंप के झटके आए। इनकी तीव्रता 4.4 से 4.5 के बीच रही। उधर भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। इसके जरिए भारत ने तुर्की के लोगों की मदद तेजी से करी है। सेना एयरफोर्स के जवान NDRF और डॉक्टर की टीम तुर्की भेजी गई है। बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी गई है। तुर्की के राष्ट्रपति ने बुधवार को राहत बचाव के काम में सरकार की कमियों को स्वीकार किया, कहा कि राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों से मदद भी मिल रही है। सबके प्रयास से देश को इस संकट से दूर करेंगे। तुर्की सरकार के अनुसार बारिश और ठंड के मौसम के चलते राहत कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिशों में तेजी लाई जा रही है।